इस संसार में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ गलत टिप्पणी कर दी और जिसके लिए उसने गलत टिप्पणी की थी वो तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति था और तंत्र मंत्र की क्रियाओं में बहुत संलिप्त था। इसी को लेकर दूसरे व्यक्ति ने उसके ऊपर टिप्पणी की थी। उस तंत्र मंत्र वाले व्यक्ति को इस बात का कहीं ना कहीं पता चला कि अमुक व्यक्ति ने मेरे ऊपर कोई टिप्पणी की है। तो जिस व्यक्ति ने टिप्पणी की थी बाद में उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि वो बहुत एक बड़ा मतलब तंत्र क्रियाएं करने वाला आदमी है। बाद में वो सोचने लगा कि कहीं मेरे ऊपर कोई बुरी चीज़ ना वो कर दे, कोई वो गलत क्रिया ना कर दे। बहुत सोचते सोचते वो कहीं ना कहीं उसका जो मन है वो चिंताओं में जाने लगा और बहुत चिंता वो करने लगा। बहुत वो सारा दिन इसी सोच में रहता कि मेरा कुछ गलत ना हो जाए। धीरे धीरे करके वो व्यक्ति जो है एक बहुत बड़े चिंता में या जिसको डिप्रेशन कहते हैं उसमें अपने आप को ले जाता है। आगे का आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा। हालांकि कुछ लोग उसे कहते हैं कि उसकी बुद्धि बंधी हुई थी और कुछ कहते हैं कुछ उसके ऊपर कि तंत्र का असर हुआ। जितनी हो उतनी बातें साथियों, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस संसार में अगर अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे का बुरा करने के लिए, दूसरे का बिगाड़ने के लिए हमेशा गलत कार्य करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले होते हैं जो बुद्धि पर भी दूसरे की असर करने की सोचते हैं। आपने सुना होगा कि बुद्धि बंध जाना, जी हाँ, इस तरह का बुद्धि बंध जाना या जब दिमाग का काम ना करना, ये चीजें बिल्कुल पाई जाती हैं। अब आज के टाइम की अगर बात करें, मॉडर्न टाइम है, तो जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इन बातों पर चाहे विश्वास ना करते हो, नहीं मानते हैं, मैं भी नहीं मानता हूँ, लेकिन अब आप कहेंगे कि आप खुद कह रहे हैं आप इन बातों को नहीं मानते, तो ये कैसे संभव है। देखिए, बुद्धि का बंध जाना, हम इसे अपनी जो हमारी ये कर्मकांड की, जो ज्योतिष की, जो एक अध्यात्म की दृष्टि है उससे कहते हैं बुद्धि का बंध जाना। लेकिन उसी चीज को जो डॉक्टर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो एक अलग चीज का नाम दे देते हैं, जैसे डिप्रेशन या ओवरथिंकिंग, इन चीजों का नाम दे देते हैं। लेकिन बात एक ही पॉइंट पर आकर टिक जाती है, यानी कि बात तो माइंड की ही हो रही है कि एक जगह पर माइंड का बिल्कुल शून्य हो जाना, जहां पर हमें कुछ भी समझ ना आए कि हमें क्या करना है। अगर आपको भी लगता है कि आपको कोई, आपका कोई ऐसा मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई भी ऐसा है जिसकी बुद्धि को बांधा हुआ है, उसके लक्षण होते हैं कि व्यक्ति चाहता सोचता तो बहुत कुछ है करने की, लेकिन कर नहीं पाता। जब उसे करने का टाइम आता है उस टाइम पर उसका जो माइंड है विचारों से शून्य हो जाता है। सही करने को जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाता है। बुद्धि से अपनी निर्णय नहीं ले पाएगा, अपने दिमाग से सोच नहीं पाएगा कि मेरे लिए अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है। लेकिन इससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको कहीं जाने की जरूरत है, ना आपको कुछ भी इसके अलावा कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपने आप से, स्वयं के द्वारा अगर आपकी बुद्धि बंधी हुई है तो इसको आप खुद से अपनी बुद्धि का जो बंधन है उसे हटा सकते हो। चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक है जिसने आपकी बुद्धि को बंधन किया हुआ है, उस बंधन से तुरंत प्रभाव से आप छूट जाओगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बस ये आज का एपिसोड आप पूरा जरूर देखना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक और चीज आपको बता दूं कि आज से पहले इस तरह की जानकारी मैंने आपके साथ कभी इन चैनल पर शेयर नहीं की थी, लेकिन अब पिछले काफी दिनों से
बहुत सारे भक्तों के कमेंट आ रहे थे, गुरुजी बुद्धि का बंधन क्या होता है, इस बंधन से कैसे मुक्ति पाएं, किसी ने अगर बुद्धि को बांध रखा है तो उसको कैसे खोला जाए। तो आज मैं इसी के ऊपर आपको बहुत गुप्त जानकारी और बहुत सधी हुई जानकारी देने वाला हूं, जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। तो प्यारे बंधु जनों, मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज का हमारा विषय है बंधी हुई बुद्धि को किस प्रकार खोला जाता है। तो साथियों, इसके लिए कुछ विशेष कार्य आपको करना होगा और अगर आपने इस कार्य को कर लिया तो आपकी बुद्धि का या अन्य आपका कोई मित्र प्रिय है जिसकी बुद्धि का बंधन हो रखा है, वो बंधन तुरंत प्रभाव से खुल जाएगा। जो जानकारी मैं अभी आपको बताऊंगा उसे आपने बड़े ध्यान से सुनना है। साथियों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक 7 चक्र हमारे होते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब हम जागृत करनी होती है, कुंडलिनी जागृत करने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं, उस समय इन 7 चक्रों की बात होती है। यहाँ मूलाधार से लेकर और सहस्रहार तक हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। और अब बात करेंगे कि जो बंधी हुई बुद्धि है उसका इन चक्र से इनसे क्या संबंध है। साथियों देखिए, यहाँ पर जी हाँ, बिल्कुल ललाट में जहां पर शंकर भगवान का तीसरा नेत्र होता है, इसे अज्ञात चक्र कहते हैं। अगर ये हमारा अज्ञात चक्र खराब है तो 100% जो है हमारी बुद्धि बंधी हुई है। वो कई बार किसी ने अगर तंत्र क्रिया किया है उसके द्वारा बुद्धि बंधन कर रखा है, या कई बार हमारे खुद के नेगेटिव विचारों के द्वारा भी हमारी बुद्धि का बंधन हो जाता है। ये अगर अज्ञात चक्र हमारा खराब है या अगर ये मतलब सही नहीं है तो हमारी जो बुद्धि है वो कभी सही निर्णय नहीं ले पाएगी और हमारा जो माइंड है वो सही काम नहीं कर पाता है। हमारी बुद्धि जो है वो हमेशा भ्रष्ट रहती है अगर हमारा ये अज्ञात चक्र जो यहाँ पर है अगर ये ठीक नहीं है। इसी चक्र को, अज्ञात चक्र को, इसी को आपने ठीक करना है, जागृत करना है, इसको बल देना है, तभी आपकी जो बुद्धि है वो खुलेगी, तभी आपकी बुद्धि सही प्रकार से काम करेगी। अब बात करेंगे कि ये अज्ञात चक्र किस प्रकार से आपको ठीक करना है और किस तरह से ये अज्ञात चक्र आपकी बंधी हुई बुद्धि को खोलेगा, वो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है ताकि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो देखिए साथियों, ये अज्ञात चक्र यहाँ पर होता है, बिल्कुल जहां पर ये हम तिलक लगाते हैं, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र जहां पर होता है। तो साथियों, आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप किसी एक निश्चित स्थान पर बैठ जाएं, कोई आसन बिछाकर उस आसन के ऊपर पूर्व की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं। अब आपने यहाँ पर अपना जो ये अज्ञात चक्र है ये काम राइट हैंड से करना है। अंगूठे के पास वाली जो उंगली है, जो सबसे बड़ी उंगली होती है, से यहाँ पर इस चक्र पर प्रेस करना है। ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है, थोड़ा प्रेस करना है। उसके बाद अब आपने अंदर की तरफ लंबा सांस खींचना है। लंबा सांस खींचते समय आपने अपने मन में अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है और साथ ही ध्यान करना है कि इस ब्रह्मांड की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज मेरे आसपास मौजूद हैं, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की जितनी भी सकारात्मक शक्तियां मेरे पास मौजूद हैं, वो मेरे श्वास के साथ, जैसे मैं श्वास अंदर खींच रहा हूँ, वो पॉजिटिव शक्तियां मेरे शरीर में प्रवेश करें। सांस अंदर खींचते समय
अब सांस अंदर खींचने के बाद आपने जो सांस अंदर लिया हुआ था उस सांस को धीरे धीरे करके बाहर छोड़ना है। लेकिन बाहर छोड़ते समय आपने ओम अक्षर का जाप करना है, जैसे मैं कर रहा हूं। जैसे अब मैंने श्वास बाहर छोड़ते समय ओम अक्षर का जाप किया है, उसी तरह से श्वास बाहर छोड़ते समय आपने ओम अक्षर का जाप करना है। क्योंकि जिस समय श्वास आपने अंदर खींचा था उस समय पॉजिटिव शक्तियां आपके शरीर के अंदर गई हैं, और जैसे श्वास आप बाहर छोड़ रहे हैं तो श्वास तो बाहर जाएगा लेकिन जो पॉजिटिव शक्तियां आपने अंदर खींची थी वो धीरे धीरे करके आपके यहाँ पर जो ये अज्ञात चक्र है यहाँ पर आकर रुक जाएंगी। और अब ये जो पॉजिटिव शक्तियां हैं ये आपके अज्ञात चक्र को, इस चक्र को प्रेस करेंगी, यहाँ पर पॉजिटिव दैवीय शक्तियों का दबाव बनेगा। और जैसे ही यहाँ पर दैवीय शक्तियों का दबाव बनेगा पॉजिटिव शक्तियां यहाँ पर आकर के रुकेंगी तो खुद ब खुद ये आपके जो अज्ञात चक्र है इसको ठीक करना शुरू कर देंगी। इस प्रक्रिया को दिन में एक बार तो करना ही करना है, दो बार, तीन बार, चार, पांच बार भी कर सकते हैं। शुरू में आप इसको दो तीन मिनट करें, चार मिनट करें, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ाना स्टार्ट कर दें। कम से कम एक दिन में दो तीन बार इस प्रक्रिया को आपने दोहराना है, और जितना लंबे समय तक इसे आप करेंगे उतना जल्द आपकी जो बुद्धि है उसका जो यहाँ पर ये अज्ञात चक्र जो है उतनी जल्दी ठीक होगा, और आपकी बुद्धि उतनी जल्दी असली और अच्छे अच्छे शुभ काम करना शुरू कर देगी। तो ये मैंने आपको बताया बंधी हुई बुद्धि को किस प्रकार से आप खुद के द्वारा खोल सकते हैं, और आशा है आप सभी को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। जय माता की।